मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत आज के एक और नई वीडियो में। तो भाई सुबह सुबह का कुछ ऐसा माहौल है, सूर्य देवता निकल चुके हैं, ठंडा ठंडा सा मौसम हो चुका है भाई। कल हम ना ये कोई डुमोडो करके जगह आगे 2 किलोमीटर है इसका, ये बस स्टैंड था, यहाँ पर बाबा जी की चाय की दुकान थी, यहाँ पर आके कैंपिंग कर ली थी। तो अभी सुबह सुबह बाबा जी आ चुके हैं, ये बाबा जी की गाड़ी है। तो बाबा जी नमस्कार। तो बाबा जी सफाई कर रहे हैं और मैं बताता हूँ टेंट कहाँ लगाया। टिगलू भाई कहाँ सो रहे, पहले अपना टेंट दिखा देता हूँ कहाँ पर लगाया भाई। तो इधर मैंने अपना टेंट लगा रखा था यहाँ पर भाई, और एक बिल्ली है छोटी सी यहाँ पर, वो टेंट के ऊपर चढ़ जाती है। इसके अंदर जो बीच वाला कवर है ना, ये टेंट और बीच वाले कवर के अंदर जाके ना यहाँ बैठ जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाता है निकालना। और टिगलू भाई कहाँ सोए हैं वो भी दिखाता हूँ, अगर वो उठ गया तो टिगलू भाई सोए हैं बाबा जी की इस दुकान के अंदर। टिगलू भाई जाग गया, सो रहा है, नहीं जागा भाई, इसके अंदर सो गया टिगलू भाई, सही है। और इधर ना आग जला रखी है क्योंकि ठंड हो रखी थी ना, तो सुबह सुबह 2 बजे आए थे उन्होंने आग जलाई, फिर हम भी बैठ रहे थोड़ी देर भाई। ये रही छोटी सी बिल्ली, ये बड़ा परेशान करती है, तूने बड़ा परेशान किया रात को। टेंट के ऊपर चढ़ी ना, है ना, चढ़ी ना ऊपर टेंट के, है ना। ये देखो छोटी सी ये बिल्ली थी और ये डोगी था यहाँ पर, यही रात को डोगी बोंगता रहा। यहाँ छोटे छोटे जानवर आते हैं इस जंगल में ना, छोटे छोटे से जानवर है। बाबा कौन से जानवर है इधर जंगल में, जंगल में कौन कौन से जानवर है जंगल में? हाँ जंगल में तो सियार है। अच्छा, जो रात को बोल रहे थे आवाजे और रो रहे थे ऊंची ऊंची आवाज, मैं सोचा पता नहीं क्या हो गया। सियार होते हैं जैसे गिदड़, जैसे गिदड़ को शायद बोलते होंगे सियार, वैसे कुछ होता है, उनकी अलग सी आवाज आती है जंगल में ना, पूरी मतलब आवाज गूंज रही, इतने ज्यादा है इस जंगल। ये क्या कर रही, ये क्या? इधर बाबा जी चाय रेडी कर रहे हैं, इसमें कोयले डाले ना, लकड़ी डाली है कोयले। अच्छा, इधर कोयले से बनाते ज्यादा है, ये वही है भाई, घुमाने से ना हवा लगती है और आग जलती रहती है। तो इधर अपनी चाय रेडी हो रही है भाई, धन्यवाद। तो भाई मैं जा रहा हूँ जी वीडियो अपलोड करने के लिए, नेटवर्क अच्छा नहीं है तो टाइम लग जाता, फिर मैं सोच रहा हूँ साइकिल लेके जाता हूँ, टिकलू भाई का साइकिल खाली था, आगे चलते जहाँ नेटवर्क अच्छा होगा वीडियो अपलोड करके फिर वापस आ जाएंगे। भाई आधा घंटा वेट किया तब जाके वीडियो अपलोड हुई है, अभी चलते हैं वापस, जाके पैकिंग करनी है मैंने टेंट की, टाइम लग जाना थोड़ा सा। टिगलू भाई ठीक है, उन्होंने टेंट नहीं लगाया, अंदर ना मंजा पड़ा था, मंजे के ऊपर अपना बिस्तर लगा के आराम से सो गया। पहुँच चुके हैं भाई। टिगलू भाई तेरे साइकिल ने गिरा दिया होता यार, इसका उल्टा सिस्टम है ना, ये इसकी ना ये वाली ब्रेक लगाएंगे तो आगे वाली लगती है और ये दबाएंगे तो पीछे वाली, उल्टा सिस्टम है, मैंने एकदम लगाई गिर गया होता। गुड मॉर्निंग टिगलू भाई, कितने कट्टे बेच दिए, कितने थैले बेच दिए? बिक गया 3-4 बोरी। अच्छा दुकान कर ली अब है, तो टिगलू भाई दुकान कर लिया, जो पशुओं का दाना होता है ना, चारा नहीं क्या बोलते, दाना फीड खड़ जो भी होता है, उसकी दुकान कर ली टिगलू भाई ने। सामने मेरा गांव है, क्या नाम है, डुमाडो, डुम डुमाडो। तो भाई दोनों भाइयों का सामान पैक हो चुका है, साइकिल पर बांध लिया। तो अभी हमने बोला बाबा जी जाते जाते एक कप चाय पिला दो, तो भैया जी ने चाय बनाई है। भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भाई मेरे को ना इधर की एक बर्फी बड़ी पसंद आई, टिगलू भाई तेरे को भी अच्छी लगती ना वो, निकालना भैया, निकाल के देना एक, ये खजूर वाली बर्फी है जो इधर की फेमस है भैया, इधर की फेमस है या वैसे ही है, ये खजूर वाली बर्फी क्या बोलते हैं इसको, खजूर वाली बोलते हैं, मैंने बहुत दुकानों पर देखी है, बीच में खजूर होता है अंदर, बड़ा टेस्टी लगती है ये, खजूर ही खजूर भरे पड़े हैं इसमें, काट काट के ना अंदर डाल रखा होता है, तो हर जगह मिलती है इधर भी, जिस भी दुकान पर जाओगे ना मिल जाएगा ना, सही है ना, सच्ची बहुत ज्यादा टेस्टी है बर्फी का टेस्ट और बीच में ना खजूर का टेस्ट, तो बीच में भरे पड़े हैं।
तो भाई चाय पी लिए, साथ में बर्फी खा लिए, अभी चलते हैं भाई अपने आगे के सफर की ओर। अभी हम जा रहे हैं भुज की ओर भाई, उसके बाद फिर मंडवी जाएंगे, मंडवी घुमाएंगे, उसके बाद फिर आगे का जो रास्ता होगा वो आगे बताएंगे। तो ठीक है, फिलहाल बाबा जी को बाय बाय बोल के चलते हैं। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी व्यवस्था करने की, रुकने की और रात को खाना खिलाने के लिए भाई, नहीं तो आसपास कहीं खाना नहीं मिलता भाई। ठीक है जी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोबारा कभी बाइक से जब आएंगे कभी। ठीक है चलो भाई चलते हैं। अभी इधर गाँव के नाम भी कुछ अलग है, जहाँ रुके थे उसका नाम था डुमाडो और जो आगे 6 किलोमीटर है उसका नाम है होडको। ऐसे बोर्ड ना जगह जगह लगे हैं रण उत्सव के भाई। बेच रहे हो क्या ये? अच्छा वैसे रखा ठीक है भाई, पता था मेरे को, मैं मजाक कर रहा। ये जो हाथ से चलाते ना मशीन, कपड़ा सिलने वाली नहीं, मोटर से, छोटी सी मोटर लगी है, वो वाली मशीन रख के बैठे थे भैया जी। भुज 65 होडको 4 किलोमीटर रह गया भाई। भाई फिर से हवा तेज होगी आगे से पीछे की ओर। तो भाई टिकलू भाई के साइकिल का ना ये चक्का ऐसे से हिल रहा थोड़ा थोड़ा, मैंने चला के देखा ना तब पता लगा। वैसे ठीक है, गोली शोली ठीक है सब कुछ, तो ना यहाँ से ढीला था थोड़ा सा, अभी इसका प्रबंध कर देते हैं। सही है, लेकिन रेन सोन्स नहीं से ना हो गया। अच्छा बढ़िया, फिक्र लीजिए, ये तो बेनिफिट है, जब मर्जी खोलो निकालो। ये देखो हो गया ना सही, ये ढीला था, तुमने चेक नहीं किया। मैंने तब देखा जब मेरे ब्रेक लगी ना, बोरा गिरने वाला हो गया था, तब देखा मैं ढीला है चक्का। चलो हो गया ठीक है, ओके जी धन्यवाद। ओ कोई बात नहीं, धन्यवाद कीजिएगा। होडको पहुंच चुके भाई साहब, काफी मार्केट है, दुकानें वगैरह हैं, सब कुछ, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं, रोटी की व्यवस्था नहीं है, चाय पानी की व्यवस्था है भाई। तो यहाँ से ना मेन हाईवे 12 किलोमीटर है, वहां जाके ढाबे ढाबे मिल जाएंगे ट्रकों वाले। हमारे साइकिल भी ना तरह तरह के वाजे निकालने लग गए हैं भाई, कड़क कड़क मड़क मड़क रिपेयर कराने वाले हो गए हैं भाई। आज भी ना कल की तरह तूफानी हवा दोबारा से चलनी शुरू हो गई है। अब ना जब मेन हाईवे पे जाएंगे ना, फिर राइट साइड मुड़ जाएंगे, फिर थोड़ा आराम होगा भाई। हवा ज़्यादा तेज चलती है ना आगे से, तो टिकलू भाई भी रुक चुके हैं। टिकलू भाई आज फिर हवा के झोंके बन बन के आते हैं ना। चलो आगे थोड़ा ही रह गया, 8-9 किलोमीटर रह गया भाई। 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद दोबारा फिर निकल चुके हैं, और भाई अब तो हवा और भी ज़्यादा तेज हो गया, पूरा फोर्स लगाना पड़ रहा है। हो भाई हो, हवा बहुत ज़्यादा तेज है भाई, कल की तरह हो गया काम आज भी, पर चलो आज थोड़े कम किलोमीटर रह गए हैं, पहुँच जाएंगे। इधर ना लोगों को इस जंगल का एक बेनिफिट है भाई, यहाँ पर लकड़ियाँ बहुत हैं, जगह जगह आपको ना काटते हुए मिल जाएंगे लोग साइडों में। दिखाता हूँ आपको, जैसे सामने भैया जी आ रहे हैं ना, ये देखो, तो लकड़ियों के बहुत ज़्यादा मौजा है। 2-1 तो फाइनली भाई पहुँच चुके मेन हाईवे पर, सामने हाईवे है, यहाँ पर एक साइन बोर्ड सा लिखा है गुजरात, ये बीच वाला पता नहीं क्या है, आगे अब आ रही है समझ आ रही है, ये वही हाईवे है जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से भुज की तरफ जाता है, जिसे हम खावड़ा से छोड़ के ना वाइट रण की तरफ चले गए थे भाई। ये ना भाई मेन रास्ता है ना वाइट रण की तरफ जाने वाला, तो यहीं से ना छोटी छोटी हार्ट अटैक मतलब रहने की व्यवस्थाएं वगैरह शुरू हो जाती है। ये देखो इधर भी बने हुए ना वैसे ही रिसोर्स वगैरह, तो यहीं से शुरू हो जाते हैं। ठीक है आगे चलते हैं, टिकलू भाई आगे निकल चुके हैं, कोई ढाबा शाबा देख के सबसे पहले खाना खाते हैं भाई। भाई ये रण उत्सव के पोस्टर ना बहुत ज़्यादा लगे हैं, जगह जगह होर्डिंग्स लगी हैं, ये इधर एक पुलिस स्टेशन, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन ही है भाई, मैंने सोचा पुलिस चौकी है भाई, पुलिस स्टेशन है कहाँ का, खावड़ा का, ये तो भाई खावड़ा लिखा है, ये एरिया खावड़ा के अंडर आता है ना इसलिए भाई। ये जो ढाबे डूबे तो हैं, बट ये चाय वाले हैं, खाने वाले नहीं है। अहमदाबाद 379, पालनपुर 400, गांधीधाम 106, माताना मठ 117, इधर से भी जाता है माताना मठ की तरफ रास्ता, मंडवी 111, भुज 52। अभी हम पहुंचे जी बी रंडी आ रहा है, ऐसी कोई जगह भाई, काफी बड़ी मार्केट है, ढाबे शाबे बहुत है, पर इन पे ना खाना नहीं है किसी भी ढाबे पर, रोटी पानी कहीं नहीं है। पीछे गाड़ी वाले भैया थे, उससे पूछा है कि आगे कोई ना ढाबा डूबा मिल जाएगा रोटी का, बोला रोटी नहीं मिलेगी बिरयानी मिल जाएगी। कभी टिकलू भाई ढूंढने गए कहीं वेज बिरयानी मिल जाए, तो ठीक है वही खा लेते और क्या, पेट तो भरना है। तो भैया जी ने बताया वो सामने मिल जाएगा वेज खाना भाई, गाड़ी के परली साइड है, चल के देखते हैं भाई। तो भाई यहाँ पर ना ये वाला ढाबा मिल चुका है, न्यू बालाजी राजस्थानी होटल, राजस्थान बाड़मेर वाले भैया का ढाबा है। तो भाई इधर खाना आ चुका है 120 में, अनलिमिटेड दही छाछ सब कुछ साथ मिलेगा। ये इधर रायता है, इधर ये दाल है भाई,
ये आलू गोभी मटर की सब्जी है मिक्स, और ये भाई इधर है सेव टमाटर वाली सब्जी भाई, और भैया दही और छाछ लेके आ रहे हैं। अभी खाना पीना हो चुका बढ़िया वाला, अपना खाना पीना खा के दोबारा निकल चुके हैं अपने आगे के सफर की ओर। यहाँ से बुझ रह गया 47 किलोमीटर के करीब, और हम सोच रहे हैं भी लगातार चल के आज शायद बुझ पहुंच जाए। वहां से एक भैया जी का कॉल आया है भी आज का स्टे हमारे पास कर लो, तो देखते अभी अगर पहुंच गए तो भैया के पास रुक जाएंगे, ना पहुंचे तो रास्ते में कहीं ना कहीं फिर से कैंपिंग कर लेंगे। और भाई हमें ना अपने साइकिल भी धोने हैं, कचकरण में घूम घूम के ना सारे साइकिल पर नमक लग चुका है, मिट्टी टाइप बन गया चिपक के, ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी चिपकी हो भाई। उससे पता क्या होता है, लोहा गलने लग जाता है, कहीं कहीं से हल्का हल्का जंग सा लगने लग गया। हम सोच रहे हैं भैया के पास चल के ना आज या कल जब भी पहुंचे वहां साइकिल अच्छे तरीके से धो लेंगे, और बुज में ब्रेक शू अगर मिल गए तो आगे वाले ब्रेक शू ले लेंगे, पीछे वाले तो काम करने लग गए हैं, वैसे अब दिक्कत नहीं है कोई, पर फिर भी आगे वाले जरूरी हो गए हैं ले लेंगे। ये सारी नमक वाली गाड़ियां खड़ी हैं। अभी ना हमने मैप लगा के ना लोकेशन लगा के अपनी स्पीड चेक की है, ऑनलाइन चेक करी जाती है चलते चलते, तो वो हमारी है 20, 21, 22 ऐसी आ रही है अगर नॉर्मल चल रहा है, अगर ज्यादा पकाए तो मैंने एक बार 30-35 ऐसी इतनी भी चेक करी है। भाई पता नहीं कितनी गाड़ियां निकली हैं, कितनी जा रही है, लाइन लगी पड़ी है भाई। इधर दोनों तरफ ना भैंस पालक बहुत ज्यादा है, ये देखो इधर भी और इधर भी जगह जगह झुग्गियां बना के रह रहे हैं। इधर ना ये जंगलों में भैंसों को चराते रहते हैं, और इनका मुख्य व्यवसाय भी ना भैंस पालन ही है, गाय भैंस पालन, मतलब दूध से अपनी जीविका चलाते हैं ये। मैंने बाबा जी से पूछा था जहाँ पर रुके थे भी, आपके इधर फसल तो होती नहीं फिर जीविका कैसे चलती है, बोलते हैं ज़्यादातर पशु रखते हैं ना, दूध बेच के अपना जीवन यापन करते हैं भाई। जो पशुपालक है ना इधर, साथ में पानी की व्यवस्था भी है यहाँ पर, शायद जो पाइपलाइन होती है ना उसी में से यहाँ पर जगह बना रखी होती है। इधर भी करण का नाम लिखा है वे कारियारण, तो भाई वैसे कोई जगह रुकने की आ नहीं रही, फिर हमने सोचा यहीं पर रेस्ट ले लेते हैं, पानी वगैरह पी लेते हैं भाई। लगातार 13-14 किलोमीटर की लू हो गया ना, कितना रह गया 36 के करीब रह गया पूछ भाई, कितना साइकिल बगा रहे हैं भाई। और इधर भी सारे वही ना पशु पालन वाले बैठे हैं भाई, अपने अपने छोटे छोटे झुग्गियाँ बना के भाई, और यहाँ ना बड़े बड़े ड्रम रखे हैं ना दूध डाल के बेच के आने के लिए, शायद आपको नीला नीला दिख रहा है ना वो वाला, वो ड्रम पड़ा है उसमें डाल के बेच के आते हैं। और ऐसा कुछ इधर का माहौल है, थोड़ी सी हरियाली आ जाती है ना कहीं कहीं ये कीकर वगैरह, तो पशु चरने का जुगाड़ हो जाता है। चलो भाई चलो चलो, चल चुके हैं दोबारा फिर से अपना सफर, 36 किलोमीटर के आसपास रह गया है, अब फिर 10-15 किलोमीटर निकाल के ना फिर रेस्ट करेंगे। 36 किलोमीटर बुझ वो लिखा सामने। अभी हम ना जिस हाईवे पर चल रहे हैं ये है जी नेशनल हाईवे 341, इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं क्योंकि सीधा पाकिस्तान निकल जाता है ना आगे, मतलब पाकिस्तान बॉर्डर तक जाता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर तक, तो इंटरनेशनल भी बोल सकते हैं, सही है ना, इंटरनेशनल हाईवे। वो जो 30 किलोमीटर रह गया यहाँ से, तो भाई अब जाके कुछ खेती आई है, फिलहाल अभी कुछ नहीं लगा रखा, ये अरंडी की खेती है बस, उसकी डंठल डंठल से रह गए हैं, मतलब ऊपर से बीज उतार लेते हैं ना जो बाद में जो रह जाता है वही रह गया, तो खेती शुरू होना शुरू हो गई है। तो भाई अब लगातार चले जा रहे हैं, रुके नहीं, उसके बाद 24-25-26 किलोमीटर के करीब रह गया होगा बुज यहाँ से भाई, और यहाँ खेती आना शुरू हो गई है, मतलब पीछे खाली डंडे डंडे खड़े थे, यहाँ पर ये अरंडी की फसल, और शायद आगे जाके ना वो सामने थोड़ी गेहूं की फसल भी दिख रही है। इस एरिया में भी ना जो फसलें हैं ना वो बारिश पर डिपेंड है, देखना कहीं भी ट्यूबवेल पानी की कोई व्यवस्था नहीं दिखेगी, खेत को ना खोल के ऐसे रख दिया भाई, तो ये भी सोच रहे हैं जब बारिश आएगी तो कुछ ना कुछ लगा देंगे भाई। तो भाई टिगलू भाई भी ना यहीं रुके थे, तो फाइनली पहुंच चुके हैं जी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम हेयर। पहले पानी पी लिया भाई, लगातार चले जा रहे, लगभग हमने निकाला 15 किलोमीटर 15-16 के आसपास, तब जाके यहाँ पहुंचे हैं। तो साथ के साथ बताते हैं
ये जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, मतलब भूमध्य रेखा भाई, भूमध्य से आप समझ गए होगे। ये भारत को दो समान भागों में विभाजित करती है, उत्तर की तरफ ओहो और दक्षिण की तरफ, मतलब उत्तरी गोलार्ध लगा लो और दक्षिणी गोलार्ध लगा लो ऐसा कुछ। और भारत के 8 राज्यों से निकलती है भाई, पहला तो गुजरात जहाँ पर हम खड़े हैं, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश मतलब MP, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद ये त्रिपुरा और मिजोरम में से निकलती है। मिजोरम में मैंने ये दिखाई है आप लोगों को, वहाँ पर देखी थी, अब उसके बाद गुजरात में देखी है, बाकी कभी नेक्स्ट टाइम राजस्थान में देखेंगे, फिर मध्य प्रदेश, बाकी देखना क्या यहाँ कौन सा कोई साइन होता है, बस ऐसे ही बोर्ड लगा होता है, बस इससे पता लग जाता भी यहाँ से ये निकलती है। तो ठीक है, ये थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी, ये दे दी। अभी चलते हैं आगे, और 25 किलोमीटर का सफ़र है, मेरे को लग रहा है अंधेरा होने से पहले पहले पहुँच जाएंगे हम कच्छ में, ओ कच्छ नहीं सॉरी भुज में, और वहाँ भैया अपना वेट कर रहे हैं भाई। टिकलू भाई जब तक वीडियो बनाता ना यहाँ की, तब तक मैं पानी लेके आता, पानी मेरा ख़त्म हो गया। सामने कुछ सिस्टर जी और लगे हुए हैं, इधर एक कांटा बना रहे हैं, जो गाड़ियों का वेट करते हैं ना वो कांटा होता भाई, जिस पे गाड़ियों को तोला जाता है वो वाला कांटा बना रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं अगर पानी मिल गया ले लेते हैं, नहीं तो आगे रास्ते में ढाबे साहब कहीं से ले लेंगे। सिस्टर जी पानी है? पानी पानी, ओके सिस्टर जी धन्यवाद। तो इसमें ना पानी इतना ही था, एक बोतल जितना, जो कैनी पड़ी है ना बोतल पड़ी है एक, तो मैंने बोला आधा भर लेता हूँ आधा छोड़ जाता हूँ, फिर सिस्टर जी और बोले आप पूरा भर लो, हम तो वहाँ से ले आएंगे, पास में इनके ना कमरे वगैरह बने हुए हैं, ये तो वहाँ से ले आएंगे, ठंडा पानी है सही है, प्यास भी बहुत लगी थी, पानी खत्म हो गया था। अभी हमें ना रोड के उस साइड जाना भाई, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, देखना आए जा रही गाड़ियाँ, उस साइड नहीं जा पा रहे भाई। अब ना एकदम से व्यू ही चेंज हो गया है, सारे हरे भरे खेत दिखने लग गए हैं, सामने माउंटेन्स पास आ गया बिल्कुल, और हरियाली सी दिखने लग गई है, रण खत्म हो चुका है। भुज 24 किलोमीटर लेफ्ट, नखट राणा 51 किलोमीटर राइट। यहाँ से राउंड लेके ना ये रास्ता सीधे ही भुज की तरफ गया, राइट गया निरोआ, निरोना नखट राणा, यहाँ से अलग है रास्ता, वो देखो वो सीधा चला गया, और ये मेन का मेन ऐसे कैसा रहा, बस थोड़ा सा टर्न किया इस रास्ते ने। यहाँ पर सरसों की खेती ना काट चुकी है भाई, काट के सुखा के थ्रेसर में से निकाल रखा है, ये जो उसकी वेस्टेज है वो है, और जो उसके दाने निकलते हैं सरसों के दाने, मस्टर्ड के दाने, वो ले जाते हैं भाई। बिना थोड़ा थोड़ा पहाड़ियों की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ना हल्की हल्की हाइट शुरू हो गई है, जोर लगना शुरू हो गया भाई। गेहूँ और हरा हरा पशुओं का चारा दिखना शुरू हो गया, मतलब जो कच्छ के रण का मेन रण है ना, खाली खाली रेगिस्तान, वो ख़त्म होना शुरू हो गया, ये ख़त्म ही हो गया क्योंकि खेती आ गई दोनों तरफ भाई। भाई बड़े बड़े पेड़ और खजूर वगैरह के पेड़ पौधे, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे दिखना शुरू हो गए हैं। हो गया भाई, के हो गया है, अच्छा भाई कितने अच्छे पेड़ पौधे आ गए ना, कुछ अलग सा व्यू देखने को लग गया ना, बड़े बड़े पेड़ पौधे, और सनसेट बड़ा अच्छा लग रहा, आज सूर्योदय तो बड़ा नहीं लग रहा कुछ ज्यादा ऐसे, मतलब हाँ कुछ बड़ा सा लग रहा हो ना, अच्छा है। 6:30 का टाइम हो चुका भाई, यहाँ पर बैठे थे तो बैठे बैठे सनसेट होने लग गया भाई, सबसे पहले आपको प्यारा सा सनसेट दिखाते हैं भाई, ये चेक करो भाई, ओ भाई गाड़ियां ही गाड़ियां, तो सनसेट का खूबसूरत सा नज़ारा देखो भाई, आज कुछ अलग सा लग रहा है, काफ़ी बड़ा सा सूर्य देवता। और भाई अभी सर जी को दोबारा कॉल करी थी, तो सर जी बोल रहे हैं अभी अगर नहीं आया जाएगा ना अंधेरा हो जाएगा, तो मैं गाड़ी लेके आगे आ जाता हूँ, सामान गाड़ी में रख लेना, तो फिर हमारे साथ जल्दी जल्दी आ जाओगे। हमने बोला नहीं सर जी हम पहुंच जाएंगे, वहां हम पहुंच के ना आपको कॉल करेंगे, फिर आप वहां पर आ जाना, वहां से आके चले जाएंगे। पर सर जी बोला कोई चक्कर नहीं है, मैं अभी फ्री हूं, मैं भी घर से निकलता हूं, जहां मिल जाएंगे वहां से इकट्ठे वापस की ओर चल देंगे, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। तो अभी हम भी चल रहे हैं 20 किलोमीटर के करीब, यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे होगा सर जी का घर,
तो यहाँ से चलते हैं, देखते हैं कहाँ जाके सब्जी हमें मिलते हैं। सामने देखने में लग रहा है भाई भी जो भुज है ना वो छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। ये जी रुद्राणी डैम ब्रिज और इस नदी का नाम है जी खारी नदी। ये देख रहे हो इसका नाम है जी खारी नदी। खारी मतलब जैसे वो नूनी रिवर है ना, नमक नून खारी नूनी रिवर ये सब एक ही चीज होता है, मतलब खारा मतलब नमकीन नमक वाला। तो भाई 7:00 ना 6 मिनट का टाइम हो चुका है, भुज यहाँ से रह गया अभी पता नहीं साइन बोर्ड पे 10:11 दिखा रहा है। अभी टिकलू भाई बोल रहे हैं थोड़ी देर रेस्ट करते हैं क्योंकि लगातार चले जा रहे हैं ना, बोल रहे हैं चाय पीते हैं पीछे की चाय की दुकान है, चाय पीते हैं, पानी खत्म है पानी भरवा लेते हैं और पानी भी पीते हैं। ओ वाह भैया जी ना चाय बना रहे हो ना, ओ भाई इतनी तेज चला रहे हो देखना, ऐसे जैसे अनार चलता है ना दिवाली पे वैसा कर रखा है भैया ने। भैया गैस से सस्ता पड़ता है महंगा पड़ता है ये? सस्ता और चाय भी अच्छी बनती है इसे। अच्छा जी, मैं भी सोचती थी सभी लोग ने ना ऐसी लगा रखे हैं तो इसी चक्कर में चाय अच्छी बनती है पूरी कड़क मेरी है चख लूं। चलो भाई कोयले पर चाय ना अच्छी बनती है तभी भैया लोग कोयले पर बनाते हैं और बाबा जी भी यही बात बता रहे थे और पीने के बाद भी वही बात लगती है भाई कड़क बनती है और थोड़ी अच्छी भी मतलब बनती है और दूसरी बात कोयला सस्ता ही पड़ता है। आराम से देख के तो भाई 8:00 पूरे भुज में पहुंच चुके हैं, यहाँ से 7-8 किलोमीटर सफर और रह गया सरजी का घर। पीछे जो गाड़ी है ना उसमें सरजी आ रहे हैं साथ साथ, वो लेने हमें आगे ही आ गए। तो भाई इधर सब्जियां लिए जा रही हैं, बाकी सरजी से ना आपको वहां जाके मिलाएंगे। भाई अभी हम पहुंच चुके जी माधवपुर में। भाई रात के 9:22 का टाइम हो चुका, पहुंच चुके सरजी के घर में। भाई बहुत ज्यादा थक गए आज, बहुत ज्यादा। टिकलू भाई कितने किलोमीटर निकाला हमने? 75 किलोमीटर निकाला। हम निकले भी लेट ही थे, 12:00 के आसपास निकले, 75 किलोमीटर निकाला। अगर हम सुबह जल्दी निकल जाए तो हम 100-150 भी निकाल सकते हैं। तो अभी सरजी के पास पहुंच चुके, सरजी से मिलवाते हैं, उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे, थक गए हैं, उसके बाद अपना नहा के आराम से सो जाएंगे, बाकी बातें आपको सुबह बताएंगे। तो सरजी से मिलवाते हैं। सरजी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है सरजी? सबसे पहले नाम बताओ। मनीष कुलकर्णी। ओ सरजी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी। और सरजी बोल रहे मेरे को, सरजी ने बोलो भैया बोलो भाई, भैया की तरह ट्रीट करेंगे हम आपको। तो सर जी बोल रहे भी छोटे भैया की तरह रखेंगे आपको, तो अपने ही घर समझो, आराम से जैसे मर्जी जिधर मन कर रहा जहाँ मर्जी रहो, खाओ पियो और आराम करो। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी 2 दिन सर जी के पास ही हैं, बातें सुनेंगे सर जी की, अपनी कुछ सुनाएंगे और कुछ सर जी से बांटेंगे। हाँ ठीक है, फिलहाल इसी के साथ सर जी ने हमारे लिए कॉफी बना दी, कॉफी पीते हैं उसके बाद आराम से बैठ के खाना खा के आराम से नहा के सो जाएंगे। तो सर जी बड़े बड़े कप लाए हो आप तो ठीक है। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।